खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से है। यातायात माह के शुभारंभ में कानपुर मंडल आयुक्त राजेश्वर ने कहा, हम सबको मिलकर यातायात व्यवस्था सुधारनी होगी। ट्रैफिक पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के तत्वावधान में पुलिस उपायुक्त सलमान पाटिल ताज, ADCP ट्रैफिक अशोक कुमार सिंह के संयोजन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त कानपुर डॉक्टर राजेश्वर तला, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के पुलिस आयुक्त VP जोगडन रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सहयोग पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी तथा पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य रूप से पुलिस उपायुक्त विजय धूल, प्रमोद कुमार, ADCP राहुल मिठास, ACP संतोष कुमार सिंह, शिखर जी अमरनाथ, महमूद अकमल खान, सुच्चम प्रकाश उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत यातायात निरीक्षण विनय कुमार सिंह, राजवीर सिंह, मनोज कुमार सिंह, हारून रशीद एवं इंस्पेक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह, संजय दीक्षित, राजकुमार शर्मा करते दिखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश्वर का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर सहयोग पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने किया। सलमान ताज द्वारा पुलिस आयुक्त संयुक्त और पुलिस आयुक्त को स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह में यातायात व्यवस्था में सारणी सहयोग के लिए सिविल डिफेंस के रोहित मल्होत्रा, नरेश भक्तानी व TSI शिव सिंह छोकर समेत अन्य पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कार व प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। यातायात माह के शुभारंभ पर कमिश्नर राजशेखर व पुलिस आयुक्त VP जोगडन ने हरी झंडी दिखाकर एक जन जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया, जो शहर में यातायात के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। NCC कैंडिडेट ने मार्च पास कर लोगों का मन मोह लिया। शहर के समान नागरिकों में विक्रम पंडित, श्याम शुक्ला, लवि गांधी, अजय कपूर, राजेश कुमार पांडे, राजकुमार भक्तानी, डॉक्टर MK सुरागी, अभिषेक पांडे, मोनू अरक, अनुराग साहू, आशीष मिश्रा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और बेहतर बनाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो सम्मानित नागरिक है विभिन्न क्षेत्रों से, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था। उनसे वार्ता करते हुए उनके सुझाव के आधार पर कैसे यातायात को जो है बेहतर बनाया जा सके, इसका प्लानिंग जो है की जा रही है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक रैली का भी जो है यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है कि जो पूरे शहर में यातायात के जो नियमों का है, यातायात किस तरह सुरक्षित रखा जाए और एक बेहतर सुगम यातायात कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए जो है वो रैली कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण ऐसा ये है कि जो बिंदु जो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि सभी सम्मानित नागरिक है इस पर, क्योंकि कानपुर लगभग जो है आज की डेट में मान के लिए कि 45 लाख की आबादी है, लेकिन अगर यहाँ पर हर प्रकार के वाहन, अगर आप जो रजिस्टर्ड वाहन हैं आगे, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, चाहे ट्रक है, चाहे ई रिक्शा है, इन सब का संख्या देखेंगे तो लगभग जो है 15 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हर 3 व्यक्ति पे एक वाहन आता है। इसलिए हम लोग की भी डबल जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।